दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एक आपके बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एन इशू। इस पूरे विषय में आपको क्या पढ़ना है, कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन वीडियोस होने वाली है। इसके बाद हम दूसरे वीडियोस में वन बाय वन करके यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पूरे इस विषय में आपको, इस पूरे सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है। मेरा पर्सनली पूरे बीएड का दोस्तों ये फेवरेट सब्जेक्ट है। ये पूरा ये जो सब्जेक्ट है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, इसके पीछे रीजन है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपने देश से, अपने एजुकेशन सिस्टम से और ज्यादा कनेक्टेड होंगे, और ज्यादा जुड़ेंगे। रीजन क्या है, आइए जरा वन बाई वन देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरे यूनिट में आपको, पूरे विषय में आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर में ये इस विषय में टोटल 6 यूनिट है। कितने दोस्तों? 6 यूनिट। 6 यूनिट को पहले वन बाई वन देखते हैं, फिर इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका पूरा अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ओके, आप देख सकते हैं इसमें 6 यूनिट है। 6 यूनिट में पहला पॉइंट क्या है, आपको जरा इसको समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट है हमारा एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल एरा। ये प्री कॉलोनियल एरा, जैसे वैदिक काल, बौद्धिक काल, मुस्लिम काल, इस जमाने में वैदिक काल में, अस्यूम करिए कि वैदिक काल में शिक्षा कैसे होती थी। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, बौद्ध काल में मठों और विहारों में पढ़ाई जाती थी, मुस्लिम काल में मदरसे में, मकतब में शिक्षा पढ़ाई। तो इन जमाने में, इन काल में, इस एरा में दोस्तों जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजें वन बाई वन देखेंगे। पहले पूरा ये देख लेते हैं कि 6 यूनिट, 6 के नाम क्या है। दूसरा दोस्तों, एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, आजादी से पहले, आजादी से जब पहले जब अंग्रेज थे, उन्होंने एजुकेशन में क्या किया, कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया, कैसे खराब किया। जी हाँ, बर्बाद किया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आगे इसमें देखा जाएगा किसने आपको पढ़ना क्या है। तो दूसरा यूनिट आपका, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, मतलब आजादी से पहले की हमारी शिक्षा स्वरूप, शिक्षा संरचना, ये सारी चीजें। उसके बाद दोस्तों, एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट एरा, मतलब आजादी के बाद से नए नए जो कमीशन बने, जो नए आयोग बने, उन्होंने क्या सुझाव दिया, क्या सुधार किया हमारी शिक्षा व्यवस्था में, इस चीज को जानना है। नेक्स्ट पॉइंट है, या नेक्स्ट यूनिट जो आपको पढ़ना है वो है दोस्तों क्रूशियल इश्यूज, जो जैसे महत्वपूर्ण कुछ समस्याएं हमारे समाज में जो अभी भी मौजूद है। जैसे मान लीजिए स्त्री शिक्षा की बात करें, जेंडर इक्वालिटी, अनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई, इंक्लूसिव एजुकेशन। एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर किसी का बच्चा चल नहीं पाता था या फिर ठीक से उसके हाथ काम नहीं करते थे तो हम उसे समाज से अलग कर देते थे। हमें लगता था कि अरे ये पढ़ लिख के क्या करेगा इसको। तो आप अभी देखेंगे, आप अभी 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 तो अब इन बच्चों को भी एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया जाता है। इवन जो बच्चे नहीं देख पाते हैं, सोचिए उनके लिए भी एजुकेशन सिस्टम है, वो भी पढ़ पाते हैं। तो ये पहली की जो समस्याएं थी, जो हमारी समस्याएं थी एजुकेशन में, उसको हमने कैसे हल किया, कैसे उस पर काम किया, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या अपने तरफ से उन्होंने कार्यक्रम इश्यूज किए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, और आप यूँ देखेंगे कि वृद्धा शिक्षा, स्त्री शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया। इसमें सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है सर्व शिक्षा अभियान। बचपन में आपको भी ये सुनने को मिला होगा कि स्कूल चले हम, एक गाना बजता था, एक टोन बजता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो ये सारी चीज़ इनिशिएटिव। लास्ट आपका यूनिट दोस्तों, एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में शिक्षा के क्या महत्व दिए गए, कौन कौन से नए कानून बनाए गए, क्या लागू की गई, तो भारत के संविधान में शिक्षा का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आपके टोटल यूनिट्स के नाम है। अब जरा हम यूनिट को और एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यूनिट वन में दोस्तों जैसा मैंने बताया एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल एरा, तो इसमें आपके तीन पॉइंट आपके पूरे यूनिट में है। इसमें तीन पॉइंट आपको पढ़ना है, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धिक कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। सवाल भी अक्सर यही पूछता है, कोई एक सवाल पूछ देगा वैदिक कालीन, बौद्धिक कालीन, मुस्लिम कालीन में इसके आदर्श क्या थे, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनका आइडियल क्या था, और इनके उद्देश्य क्या होते थे शिक्षा के, और शिक्षा ये कैसे प्रक्रिया थी, कैसे शिक्षा इनको दी जाती थी। ठीक है, शिक्षा के इनके पाठ्यक्रम कैसे थे, शिक्षा कब शुरू होता था, शिक्षा कब खत्म होता था, कितने समय तक चलता था, कुछ विशेष क्रियाएं भी होती थी, जैसे मान लीजिए उपनयन संस्कार। ठीक है, और मुस्लिमकालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म, बौद्धिकालीन में पवज्जिया संस्कार। तो ये कुछ संस्कार होती थी, कुछ विशेष क्रियाएं होती थी, उसको भी जानना है, और ये भी अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला यूनिट आपका क्या है दोस्तों, पहला यूनिट इन्हीं तीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वीडियोस ऑलरेडी बनाई गई हैं, हालांकि मैं एक बार दोबारा बना दूंगा, मुझे पता है आप लोग पुराना नहीं देखते हैं।
तो मैं एक बार दोबारा वीडियो बनाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले इस चीज़ को समझिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो इन तीन चीज़ों को पढ़ा, और अगर आपने इन तीन चीज़ों को पढ़ रखा है फिर तो टेंशन फ्री, फिर आपका एक यूनिट यहाँ पे तैयार है। दूसरे यूनिट की बात करें, दूसरा यूनिट दोस्तों चार्टर्ड एक्ट 1813, ठीक है। 1813 जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये देखिए ये क्या है दोस्तों। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले जो थे, मैकाले कानून के बहुत बड़े जानकार थे, वो बहुत बड़े वकील थे, वक्ता थे, प्रवक्ता थे। 2 फरवरी 1835 को इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया था, एक एड्रेस किया था वहाँ के मेंबर्स को। तो उसका यहाँ पे ये पेपर, इसको जरा पढ़िए आप, पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा। देखिए ये चीज़ इसमें क्या लिखी गई है, देखिए। तो मैकाले 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने स्पीच में क्या कहते हैं, इसको जरा सुनिए। आई हैव ट्रेवल अक्रॉस द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ इंडिया, मतलब भारत के चारों तरफ लेंथ और विड्थ अक्रॉस उन्होंने क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो बेगर हो, जो भिखारी हो। हु इज थीफ, जो कि चोरी करता हो। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, इतना धन हमने इस देश में देखा है। मैकाले कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके कहते हैं 2 फरवरी 1835 को कि मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया है और मुझे वहां पे कोई भीख मांगता हुआ नहीं दिखा, मुझे वहां पे कोई चोरी करता हुआ नहीं दिखा, इतना धन देखा है मैंने देश में। सच हाई मॉरल वैल्यूज, इतने हाई मॉरल वैल्यूज, इतने अच्छे नैतिकता वाले इंसान को हमने वहां पे देखा है। पीपुल सच अ कैलिबर, इतने योग्यता, इतने क्षमता वाले लोग उन्होंने देखा है। दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कंक्योर दिस कंट्री, मेघालय कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं मानूंगा, ये मैं नहीं सोचता कि हम कभी भी भारत को कंट्रोल कर सकते हैं, कभी हम भारत को जीत सकते हैं। मेघालय देखिए क्या कहता है कि मैं पूरे भारत में भ्रमण कर चुका हूँ, पूरे भारत में यात्रा कर चुका हूँ, एक भी वहाँ पे भीख मांगते हुए नहीं देखा, चोर नहीं देखा, इतने मॉरल वैल्यूज वहाँ पे देखे हैं, इतनी अमीरी देखी है वहाँ पे कि हम कभी भी भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भारत को पराजित नहीं कर सकते, हम कभी भारत को जीत नहीं सकते। आगे मैकाले क्या कहते हैं इस पर जरा नोटिस करिएगा। अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ द नेशन, जब तक हम इस देश की बैकबोन को नहीं तोड़ देते, मतलब एक इंसान की जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, ठीक वैसे ही हमारे देश की एक बैकबोन है, अगर हम उसको तोड़ दें तभी हम इस देश को जीत पाएंगे। और वो बैकबोन क्या है, मैकाले ने उसके बारे में कहा था, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, जो कि उनका आध्यात्मिक और सभ्यता है, उनका जो सभ्यता और उनकी आध्यात्मिक जो प्रभु जो ईश्वर प्रेम से जुड़ाव लगाव है ना, वो उनका हेरिटेज है, वो एक धरोहर है। तो जब तक हम उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति और उनकी जो आध्यात्मिक सोच है उसको हम तोड़ नहीं देते, उसको हम मिटा नहीं देते, उसको हम खत्म नहीं कर देते, तब तक हम इस देश पे विजयी नहीं प्राप्त कर सकते, ये मैकाले ने कहा था। Therefore, इसलिए मैकाले कहता है, आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, मैकाले कहता है इसलिए मैं प्रपोजल देता हूँ, मैं प्रपोज प्रस्ताव रखता हूँ इस पार्लियामेंट में कि हमें भारत के पुराने और प्राचीन जो शिक्षा संस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसे खत्म करना पड़ेगा, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। फॉर इफ द इंडियन थिंक दैट ऑल दैट द फॉरन, इससे क्या होगा कि जो भी भारतीय होंगे उनकी सोच क्या हो जाएगी, वो एक सोच विदेशी हो जाएगी, एक सोच फॉरेनर हो जाएगी। एंड इंग्लिश इज अ गुड दैन ग्रेटर दैन, और हर एक भारतीय क्या सोचेगा कि जो इंग्लिश है वो इंग्लिश उनके अपने देर ऑन देर हर एक भारतीय सोचेगा कि जो इंग्लिश होगा वो उनके अपने भाषा से, अपने देश की संस्कृति से बेहतर हो जाएगा, और इस तरीके से दे विल बिकम वॉट वी वॉन्ट देम, इस तरीके से एक भारतीय वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं, मतलब जो अंग्रेज चाहते हैं। ये स्पीच किसका है दोस्तों, ये स्पीच है मैकाले का। मैकाले ने 1835 ईस्वी में 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये स्पीच दी थी। उसने कहा था कि भारत की सबसे बड़ी धरोहर क्या है, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसका आध्यात्मिकपन, उसका स्पिरिचुअल पावर। अगर हमें भारत को जीतना है, भारत को विजयी बनाना है, भारत के ऊपर कब्जा करना है, तो सबसे पहले इस बैकबोन को तोड़ना पड़ेगा। और कैसे तोड़ सकते हैं, सबसे पहले हमें उनके प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को रिप्लेस करके अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। ये कौन था, ये मैकाले था, ठीक है। तो अब इस चीजों को आपको पढ़ना है, आपके जो सेकेंड यूनिट है दोस्तों एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट एरा, आपको ये जानना है कि कैसे आपके शिक्षा व्यवस्था के साथ अंग्रेजों ने क्या किया। इसमें पहला आता है चार्टर्ड एक्ट 1813, ठीक है, ये आपको सारी चीजें पढ़ना है। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने बनाया भी है, आप उसको देख सकते हैं, हालांकि मैं एक बार फिर से बना दूंगा, ठीक है। तो चार्टर्ड एक्ट 1813, ये एक ऐसा चार्टर्ड एक्ट है जहां से जो ब्रिटिश कंपनी थी, स्टेट बैंक कंपनी, उसको परमिशन मिल गया कि भाई अब तुम एजुकेशन सिस्टम पे काम करो, ठीक है। चलिए मैकाले मिनट 1835 ईस्वी में
मेकाले ने अभी बहुत, अभी तो आपने जो सोचा उसका स्पीच था, जब आप मेकाले विवरण पत्र पढ़ेंगे, मेकाले मिनट पढ़ेंगे, तो उसमें उसने कहा था कि पूरे भारत की सभ्य संस्कृति, पूरे भारत और यूरोप, पूरे भारत और अरब की पूरी साहित्य अंग्रेजी के एक लाइब्रेरी के सेल के बराबर है। मतलब पूरी हमारी साहित्य और उसके अंग्रेजी के एक लाइब्रेरी के एक सेल, उसने इस तरह से तुलना किया था। उसने कहा था कि जो भारत की सभ्य, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मरणासन पे है, मतलब खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा जीवित करना पैसे की बर्बादी होगी। इस तरीके से कठोर शब्दों से उसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की निंदा कर दी। निंदा करने का मतलब क्या था, कि उसे हमें गुलाम बनाना था, गुलाम कैसे बनाएगा हमारी इस बैकबोन के तोड़ के। तो ये था मेकाले। आगे आपको पढ़ना है कि वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी का वुड का घोषणा पत्र आया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, कैसे शिक्षा के लिए आंदोलन करा हमारे देश के आंदोलनकारियों ने। उसके बाद गोखले बिल और वृद्धा शिक्षा योजना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके तो गोखले जी कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिक गुरु हैं, गांधीस मेंटर्स, गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ये एक फोटो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो शिक्षा आंदोलन के लिए ये हमारे आंदोलनकारी जेल से जब रिहा हो रहे हैं, दे वॉक आउट ऑफ द प्रिजन, वो जेल से जब बाहर आ रहे हैं, ठीक है, वॉकआउट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे आपको थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है दोस्तों एजुकेशन इन द इंडिपेंडेंट एरा। अब आज़ादी के बाद से हम जब हमारे अंदर समार, हमें सत्ता मिल गई, हमारी सरकारें जब काम करने लगी, तो शिक्षा व्यवस्था में सरकारों ने क्या कार्य किए, जैसे कि कुछ रिकमेंडेशन हुए, जैसे आयोग बना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन, कुछ NEPs आए, रिवाइज NEPs आए, नॉलेज कमीशन, ये सारी चीज़ें क्या हुई दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था में लागू की गई। मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना, विश्वविद्यालय शिक्षा, ये सारी चीज़ें बनी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट को देखते हैं दोस्तों। फोर्थ यूनिट वही है जो इश्यूज की बात की जा रही थी, कि क्रूशियल इश्यूज ऑफ एजुकेशन, जो महत्वपूर्ण जो अभी भी समस्याएं हैं उसके बारे में। जैसे पहला क्या है, एजुकेशन टू लिव टुगेदर, एक ऐसी अभी जैसे मान लीजिए सांप्रदायिकता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, इन सबको मिटाते हुए एक साथ रहने की शिक्षा कैसे देनी चाहिए, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन टू लिव टुगेदर, पीस एजुकेशन दोस्तों, शांति शिक्षा, एक शांति अहिंसा का पालन करते हुए, हिंसा का त्याग करते हुए शांति से कैसे रहे, शांति से। जेंडर इश्यूज के बारे में आपको पढ़ना है, इससे सवाल पूछे भी जाते हैं, जेंडर इश्यूज को कैसे खत्म किया जा सकता है, मुख्य कारण क्या है, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़। इंक्लूसिव एजुकेशन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे विश्वविद्यालय में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसकी एक अलग से किताब होती है, लेकिन हमें एक यूनिट में एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है समावेशी शिक्षा, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट यूनिट देख लेते हैं दोस्तों, ना सेकेंड लास्ट देख लेते हैं, वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव दोस्तों। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है 21st सेंचुरी में, जैसे मान लीजिए सर्व शिक्षा अभियान आया, सब पढ़े सब पढ़े, ठीक है, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, एजुकेशन राइट टू एक्ट, एजुकेशन सॉरी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। ये भी अक्सर आपसे सवाल, देखिए हर यूनिट से कम 15 नंबर के सवाल तो पूछे ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक यूनिट तैयार कर ले, इससे भी पूछे, इसमें से डेफिनेटली आपको सवाल, मैं कहता हूँ कि ये आरटी एक्ट 2009 बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपको कंफर्म आना ही आना है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। लास्ट यूनिट क्या है दोस्तों, लास्ट यूनिट आपको पढ़ना है एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारत के संविधान में शिक्षा के क्या महत्व दिए गए, शिक्षा के बारे में क्या बात की गई। जैसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर इंडिया, कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा के बारे में क्या कहा गया। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जैसे कि फ्रीडम, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इनको बढ़ाने में शिक्षा की क्या योगदान है, शिक्षा की क्या भूमिका है, ये जानना है। अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन, कुछ अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे मान लीजिए वनस्पति विद्यापीठ, ये बालिकाओं के लिए एक विश्वविद्यालय राजस्थान में, एकलव्य शिक्षा योजना, SNDT महाराष्ट्र में एक शिक्षा विश्वविद्यालय है, NCERT का रोल, SERT, इग्नोस, इन सबका क्या दोस्तों, क्या भूमिका है, क्या रोल है आपकी शिक्षा व्यवस्था में, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक होंगे, जो भी वीडियोस बनाई जाएगी, उसके इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक यहाँ पे डाल देंगे, और कमेंट का फर्स्ट कमेंट भी पिन कर देंगे, वहां से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, वन बाई वन करके देखते चलेंगे, कुछ वीडियोस बन गई हैं, अगर आपके पास समय है तो उसको देख लीजिएगा, बाकी कुछ नई वीडियोस भी डेफिनेटली आपके लिए बनाई जाएंगी। सो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा विषय आपको समझ में आएगा, यूनिट वाइज समझ में आया होगा।
दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा विषय यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन करने का एकमात्र रीजन मकसद ये था कि आप अपने विषय को जानें, विषय को समझें। जब आप अपने विषय को जानेंगे, अपने विषय को समझेंगे, तो आपके अंदर उसको पढ़ने की इच्छा होगी। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको ये करना है कि इस पूरे विषय में से किसी एक टॉपिक को चुन लीजिए, चाहे वो प्री कॉलोनियल एरा, बौद्धिक कालीन, मुस्लिम कालीन, वैदिक कालीन शिक्षा हो सकती है, चाहे आप एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट एरा, आज़ादी से पहले की शिक्षा स्वरूप कैसा था वो हो सकता है, 41 मिनट, वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे आप जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसको सोच सकते हैं। किसी एक टॉपिक को लीजिए, उसकी स्टडी करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो भी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है गूगल से सर्च करके अपनी किताबों के माध्यम से किसी एक टॉपिक को समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, और ऐसे ही वन बाय वन करके आप अपने पूरे इस सब्जेक्ट को, पूरे इस विषय को पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में वन बाय वन किसी टॉपिक के साथ डिस्कस करते हुए। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप कोशिश करिए कि वन बाय वन उसको देखें, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।